जिलों में कोरोना वायरस से राहत, 98% सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव। बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में कोरोना वायरस का खतरा अन्य स्थानों की अपेक्षा काफी कम है। यहां अब तक जितने लोगों की जांच हुई उनमें मात्र 2% ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 98% की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 10 जिलों में सिर्फ वाराणसी में ही एक पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। पूर्वांचल में अब तक कोरोना के 1235 सैंपल लिए गए हैं, इसमें 20 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, 973 की रिपोर्ट नेगेटिव है, 198 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पूरे पूर्वांचल में कोरोना से वाराणसी में सिर्फ एक मौत हुई है। राहत की बात ये है कि वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने के बाद कम्युनिटी लेवल पर वायरस नहीं फैल पाया है। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग ने जिन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया है वे लोहता, बजरडीहा, मदनपुरा और गंगापुर है। यहां से कोरोना पॉजिटिव के परिवारों में 80 सैंपल लिए गए थे, इसमें सिर्फ 2 पॉजिटिव केस गंगापुर में मिले, बाकी 78 सैंपल में रिपोर्ट नेगेटिव थी। ऐसे में आम लोग अभी काफी सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करेंगे तो वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में कोरोना की चैन टूट जाएगी। वाराणसी में अब तक कोरोना के 9 मरीज सामने आए हैं, इसमें 2 मरीज ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जौनपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक ठीक हो गया है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं मदनपुरा के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। बजरडीहा की महिला की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। 72 घंटे बाद महिला का फिर सैंपल लिया जाएगा। वाराणसी के जिला अस्पताल में कोरोना के जो 14 पॉजिटिव भारतीय भर्ती हैं, उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में लगी हुई है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।